सो आज हम बात करेंगे अपकमिंग 10 प्लस लैपटॉप्स के बारे में, जो कि आप लोगों को इंडिया में इसी साल के थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर्स तक देखने को मिल जाएगा। कुछ की प्राइसिंग भी मेरे पास आप लोगों के लिए है और जेफरीज़ जी 14 एंड 15 का प्राइसिंग चार्ट भी मेरे पास निकल के आ गया है। तो मैं आप लोगों के लिए सभी कुछ आज के इस वीडियो में प्रेजेंट करने वाला हूं। तो आप लोग आराम से बैठ के इस वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को Asus, HP, Acer, Lenovo, Dell, MSI सारी ब्रांड्स के लैपटॉप देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप लोगों का जो भी फेवरेट ब्रांड है, मैं सारे को ही यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोगों को जो भी ब्रांड का लैपटॉप यहाँ पर चाहिए सारी देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो लैपटॉप आप लोगों को इस साल देखने को मिलेगा दोस्तों HP की तरफ से, वो होने वाला है HP Omen 15। और ये लैपटॉप दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। हम लोग जो चाहते हैं वही स्पेसिफिकेशन है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को लेटेस्ट Ryzen 5 एंड Ryzen 7 का चिपसेट के साथ प्रोसेसर मिलेगा, जो कि Ryzen 4000 सीरीज वाले चिपसेट है दोस्तों। अप टू RTX 2060 तक का सपोर्ट मिल जाएगा। डिस्प्ले भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, 15.6 इंचेस का, और बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप लगता है दोस्तों। लेकिन इसमें जो आप लोगों को कूलिंग सिस्टम मिलता है वो बहुत ही बढ़िया है और आप लोगों को गेमिंग प्लस प्रोफेशनल ये फील करवाएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों Dell G5 SE 2020 वेरिएंट भी है यहाँ पर आप लोगों को। इसमें भी फुल्ली AMD पावर्ड यहाँ पर लैपटॉप है दोस्तों। आप लोगों को Ryzen के ही CPUs मिलेंगे, Ryzen के ही यहाँ पर आप लोगों को ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। तो आप लोगों को फुल्ली अगर AMD लैपटॉप चाहिए तो ये लैपटॉप आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसी का और एक वेरिएंट भी है दोस्तों Dell G5 2020, जिसमें आप लोगों को i5 एंड i7 का प्रोसेसर मिलेगा। अप टू RTX 2060 तक आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये लैपटॉप भी देखने को मिल जाएगा। मुझे स्पेशली यहाँ पर AMD वाला ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद आप लोगों को Zephyrus G14 एंड 15 भी देखने को मिल जाएगा। तो Zephyrus G14 तो यहाँ पर आप लोगों को लेटेस्ट एकदम बहुत ही पावरफुल Ryzen 5, Ryzen 7 एंड Ryzen 9 के HS वाले प्रोसेसर के साथ मिलेंगे, जो कि 4000 HS वाले प्रोसेसर है। अप टू RTX 2060 तक का सपोर्ट मिल जाएगा और 14 इंच के डिस्प्ले, बहुत ही कॉम्पैक्ट गेमिंग लैपटॉप होने वाला है। और इसका जो प्राइसिंग चार्ट है दोस्तों इस लैपटॉप को, वो भी निकल के आ चुका है। आपको अगर ये चार्ट चाहिए तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग आराम से इसको चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस अंडर 1,10,000 के अंदर होने वाला है दोस्तों। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पर देख सकते हैं। और Zephyrus G15 का भी यहाँ पर आप लोगों को प्राइसिंग चार्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। मैं सभी का लिंक्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये भी स्टार्टिंग प्राइस आप लोगों को 1,03,990 में देखने को मिलेगा दोस्तों। और Asus ROG Strix G2020 वेरिएंट भी आप लोगों को इंटेल के प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा। Nitro 7 भी आने वाला है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं अगर क्विकली रिव्यू दूँ यहाँ पर, तो आप लोगों को i5 और i7 का प्रोसेसर के साथ मिलेगा। मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि AMD के लैपटॉप्स यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन Intel के ही CPUs के साथ मिल रहे हैं और आप लोगों को ये भी Intel के चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा। अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन है, लेकिन मुझे लगता है दो वेरिएंट्स निकालने चाहिए थे और इसके स्टार्टिंग प्राइस अंडर 90K में आप लोगों को एक्सपेक्टेड मुझे लगता है देखने को मिल जाएगा। और ये भी आप लोगों को थर्ड क्वार्टर्स तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद Helios 300 2020 वेरिएंट पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये भी Intel के ही चिपसेट के साथ आते हैं। मुझे यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा कि Intel का ही चिपसेट अगेन एंड अगेन यूज किया जा रहा है। यहाँ पर दो वेरिएंट कर देता तो और भी अच्छा होता, AMD का भी वेरिएंट रखता, Intel का भी वेरिएंट लगता। और ग्राफिक्स कार्ड भी यहाँ पर आपको अप टू RTX 2070 मैक्स क्यों मिलेगा, ये भी अंडर 1 लाख में होगा। और Acer Predator Titan 300 तो ऑलरेडी Amazon पर लिस्टेड है, लेकिन इसका जो प्राइसिंग है अभी तक नहीं आया है। और MSI Bravo 15 का भी वही हाल है दोस्तों, Bravo 17 का भी वही हाल है। सभी यहाँ पर जो है लिस्टेड हो गए, लेकिन आप लोगों को प्राइसिंग देखने को नहीं मिल रहा है। और Legion 5 है जो हम लोग डेस्परेटली यहाँ पर वेट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ लिस्टेड होकर ही रह चुका है, इसका भी प्राइसिंग नहीं आया है। Legion 5 AMD का भी जो लिस्टेड होकर रह चुका है, लेकिन इसका प्राइसिंग नहीं आया है। और Lenovo का मन बहुत कम है कि यहाँ पर इंडिया में लॉन्च करे। और Nitro 5 2020 का जो है दोस्तों एक बैड न्यूज भी है यहाँ पर आप लोगों को, 1650 एंड 1650 Ti का ही वेरिएंट आई थिंक आप लोग देखने को मिले, 1660 Ti ना मिले, मे बी Acer लॉन्च भी कर दे। और Lenovo Legion 5 में आप लोगों को RTX वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा, अभी तक का लेटेस्ट जो न्यूज है यही कह रहा है। तो ये कुछ बैड न्यूज भी आप लोगों के लिए है दोस्तों। तो यही कंप्लीट प्रेजेंटेशन है दोस्तों, आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो है कुछ न्यूज से रिलेटेड। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक करके बता सकते हैं। आप लोगों के मन में कोई डाउट या फिर आप कौन सा लैपटॉप लेना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट्स लेके आने वाला हूं।